गाइज विल यू बी देयर नाम की मैंने एक रोमांटिक कोरियन मूवी देखी जो टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसे देखने के लिए आपको लगभग 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। क्या ये आपका टाइम डिजर्व करता है कि नहीं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मूवी की कहानी होनसो नाम की एक सर्जन की है जो अपनी ओल्ड एज में है और काफी बीमार भी है। वो अपने गर्लफ्रेंड को एक बार देखना चाहता है जो 30 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। अब उसकी ये विश एक बूढ़े आदमी के द्वारा दिए गए कैप्सूल से पूरी होती है जिसे खाने के बाद वो प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है और पास्ट में जाने के बाद जब उसकी मुलाकात उसके ही यंग रूप से होती है तो वो ना चाहते हुए भी अपने लाइफ को कैसे बदलता है ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। प्रेजेंट और पास्ट में हो रही चीजों को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और इसकी स्टोरी भी मुझे काफी ठीक लगी, लेकिन इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टोरी प्लॉट थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है और वो कंफ्यूजन आपको टाइम ट्रेवल से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। मूवी में आप लोगों को काफी जगह पर किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, अगर आप अपने फैमिली के साथ कंफर्टेबल हो तभी देखना। ट्विस्ट एंड टर्न्स को काफी अच्छे से इमोशनल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है। एक्टर और एक्ट्रेस की एक्टिंग और उनके बीच की केमिस्ट्री या फिर बॉन्डिंग कह लो, ये सब मुझे काफी बढ़िया लगा। देखा जाए तो टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ड्रामास और मूवीज में कमियां होती हैं, वैसे इसमें भी है। अगर आप उन चीजों को इग्नोर करके ये मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी काफी अच्छी है। ये फिल्म मिनी टीवी पे स्ट्रीम हो रही है, जिसे देखना है तो जाके देख सकते हैं।